रिया दीप्सी, आपको बता दें कि इनको आपने गांधारी के कैरेक्टर में देखा हो महाभारत में। आपको बता दें कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। आपको बता दें कि जब वो सिर्फ 18 साल की उम्र था तब से उन्होंने ये शो ज्वाइन किया था। आपको बता दें कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था गांधारी के तौर पर उनका। हर वाक्य और हर कथन उनका काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में भी। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन गांधारी के कैरेक्टर में उन्होंने जान फूंक दी थी। आपको बता दें कि उनको आपने भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप में भी देखा होगा, साथ ही उनको रजिया सुल्तान बेगूसराय में भी सपोर्टिंग रोल में देखते होंगे। आपको बता दूं कि साथ ही उन्होंने बॉक्स क्रिकेट लीग में भी अपना पार्टिसिपेशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक शो किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट पोरस में, उसमें वो प्रिंसेस ब्रेसलिन के करेक्टर में थी। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था भागते रहो से, उसमें उनका परफॉर्मेंस गुंजन का था एक लीड के तौर पर। ये मूवी दिसंबर 2018 को रिलीज़ हुई थी। आपको बता दूं लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी फ्लॉप साबित हुआ था ये मूवी। बात करें गांधारी के रोल के लिए, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस शो के लिए, उनको अच्छा काम दिखने की वजह से काफ़ी ट्रेनिंग भी ली। आपको बता दूं कि महाभारत के सभी एक्टर ने 7 से 8 महीने ट्रेनिंग ली, उसमें रिया दीप्सी भी है। आपको बता दूं कि रिया दीप्सी को जब ऑफर हुआ था गांधारी के रोल में, तो उनको पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस शो में। आपको बता दूं कि वो काफ़ी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है स्क्रीन पर। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। आपको बता दें कि जब वो सिर्फ 18 साल की उम्र था तब से उन्होंने ये शो ज्वाइन किया था।